नमस्कार, मैं विलास उर्कड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। अलबर्रा से जनपद सीओ चोर एसडीओ कमीशन खोर वैभव बिसेन, मनरेगा संबंधित पारित आदेश को तत्काल निरस्त करवाने हेतु बनी रूपरेखा, दी कलमबंद हड़ताल की चेतावनी। जनपद सभागार में आहूत हुई ब्लॉक सरपंच संघ की महत्वपूर्ण बैठक। नगर मुख्यालय की जनपद पंचायत के सभागार में आयोजित ब्लॉक सरपंच संघ की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन 12 जुलाई को किया गया। वहीं उक्त आयोजित बैठक सरपंच संघ जिला अध्यक्ष श्री वैभव बिसेन की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ, जिसमें चेतन पटले ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच संघ साहेबलाल देशमुख, वरिष्ठ सरपंच श्रीमती पुष्पा नागेश्वर, ब्लॉक उपाध्यक्ष सरपंच संघ व वेंकट रांगडाले, मीडिया प्रभारी ब्लॉक सरपंच संघ सहित अन्य सभी वरिष्ठ सरपंच साथियों की प्रमुख उपस्थिति में बैठक का आयोग का आगाज किया गया। देखें खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। बालाघाट लालबर्रा से लकेश पंचेश्वर की रिपोर्ट। मैं चेतनलाल पटले, जनपद पंचायत लालबर्रा सरपंच अध्यक्ष। आज सरपंच संघ की बैठक का आयोजन किया गया, कौन कौन से विषय पर बात हुई? आज जो 1 जुलाई को जो आदेश आया जी, और जो मनरेगा के काम में जी जो रेशो को बिगाड़ दिया कह के इस प्रकार हमते अंशित जो हमारे जिले के ऊपर लगाया गया, हमारे ब्लॉक के ऊपर लगाया गया और उसकी सजा हमें जो दिलाई गई, इसके युद्ध में खास तौर पर यही मूल हमारा बैठक रखने का मुख्य उद्देश्य तो यही था और इसके ऊपर सख्त से सख्त हम इस पर आंदोलन करें कि ये इस प्रकार का ये प्रशासन द्वारा जो प्रपत्र भेजा गया, आदेश भेजा गया, ये जब तक के इस आदेश को संशोधन नहीं किया जाएगा पुनः और यथावत नहीं किया जाएगा, तब तक कि हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी आज जनपद में हमारे लालबर्रा में यह बैठक रखी गई है और सारे जिले की समस्त जनपदों में यह बैठक रखी जाएगी और हम लोग सारे सरपंच विभिन्न जिलों से भी संपर्क करके भोपाल तक की आवाज़ को लालबर्रा की आवाज़ को वहाँ पहुँचाते हैं। और अन्य समस्या बहुत सारी हैं कि भाई जो हमारे यहाँ एक तो गरीबी रेखा की सूची में आवास जो होते हैं वो गरीबी रेखा के सूची में नाम सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। मैंने एक मेरेगांव जैसे सरपंच महोदय के माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि उस गांव में मेरेगांव में सम्मानित तहसीलदार महोदय ने बोले थे कि एक नाम तो जो मनरेगा से काम करते थे जो पक्के कामों के लिए रेशो बना करके और कच्चे काम मतलब मजदूरी के साथ में ज्वाइन करके देते थे, इससे थोड़ा सा विकास दिखा करके अपनी समस्या को मेरी समस्याओं को अपने हल कर लेते थे, जो आज शासन ने इससे भी हमें वंचित कर दिया, इस बात का हमें दुख। और सरपंच और ये भी कह रहे हैं कि काम लाने के लिए भी सेटिंग बनाना पड़ता है। हाँ, जानकारी में ये आया कुछ सरपंच हमारे भाइयों के माध्यम से कि सम्मानित आई डी साहब इनके पास में फाइल ले गई गई थी परंतु उन्हें वापस कर दिया गया परंतु नहीं दिया गया। उनने ऐसा महसूस किया कि बोले ये जिन लोगों के माध्यम से कुछ लेना देना होता होगा शायद ऐसे ही उन्हीं लोगों को काम देते मेरी फाइल को वापस किया था कि ऐसी शिकायत आई है और हम उनको देखते हैं कि अगर ऐसा होता होगा तो हम उनसे ये भी कठोर कदम उठाएंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए अपने ब्लॉक में कि किसी प्रकार का लेना देना हो या किसी प्रकार का परसेंटेज हो, ऐसी व्यवस्था को बिल्कुल हम खत्म कर देंगे। आपके द्वारा क्या किया जाएगा जैसा लेने देने चालू हो? अगर इस प्रकार के अगर हमारे मामले अगर सामने आते हैं, चाहे वो सीओ साहब हो चाहे किसी भी अन्य अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से जानकारी आती है, हम तत्काल उसको एक्शन में लेकर के उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और विशेष उनके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी।
आज हमारी ब्लॉक सरपंच संघ लालबर्रा की बैठक आहूत की गई थी, उसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि जिला सरपंच संघ अध्यक्ष से बुलाया गया था। मुख्य मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा ये था कि हमारे जितने अधिकारों का हनन सरकार कर रही है, हमारे अधिकार धीरे धीरे करके कम करती जा रही है। 1 जुलाई को जो मनरेगा संबंधी आदेश निकला है मनरेगा कार्यालय से, 22 आदेश क्रमांक 2258 दिनांक 1/7/2024, उसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि हर एक कामों में जो है आप, मैं तो उनका पूरा मटेरियल का काम ही बंद कर दे रहे हैं, वो भी दूसरे जिलों के कारस्थानियों की वजह से। तो इस विषय में हमारी बैठक आज से प्रारंभ हुई है, ये बैठक हमारी अगले 1 हफ्ते तक चलेगी, क्योंकि अभी परे पानी का सीजन है। हाँ, ये सभी ब्लॉकों में चलेगी, पूरे 10 ब्लॉकों की हमारी बैठक संपन्न होगी, उसके बाद में हमारी जिला स्तर की बैठक होगी, और फिर हम प्रदेश से बात करके, प्रदेश नेतृत्व तो हमारा जो भी कहता है, उसके बाद में लगभग हमारा, हम पूरे सरपंच मन बना चुके हैं तालाबंदी कार्रवाई कि हम जब तक ये पूरी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम कंप्लीट काम बंद कर देंगे, कलम बंद हड़ताल, मतलब कोई काम नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई काम नहीं। मतलब आदेश के खिलाफ आदेश के पूर्णता खिलाफ, जरा भी नहीं, पूर्णता खिलाफ। इस आदेश में सीधे सीधे बताया जा रहा है कि आपको मटेरियल का काम ही नहीं कर रहे, तो सरपंच करेगा क्या? आपने सरपंच का पद ही खत्म कर दिया, हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा। 15 रुपए वित्त की राशि आप भेजते हैं, टाइट एंड टाइट बना के भेजते हैं, अपने मर्जी से भेजते हैं कि कहाँ काम कराना है, क्या काम करना है। सरपंच अपने मन से या गांव की जनता अपने मन से क्या काम करवा पाएगी? फिर ऊपर बैठे दफ्तर में बैठे अधिकारी अगर काम करा ले तो फिर सरपंच की इनको आवश्यकता ही क्या है? हाँ, जनपद है लालबर्रा जनपद में सीधे सीधे समस्याएं आरोप लगा रहे हैं हमारे यहाँ के जो जितने सरपंच भाई बहन की, भैया SDO काम नहीं देते हैं, CO साहब काम नहीं करते, पहले जिसका पेमेंट होना चाहिए उसका पेमेंट पहले नहीं होता, कमीशन लेकर के पिछले जिनके बिल लगे उनका पहले पेमेंट हो जाता है। तो ये समस्या अभी खैरलांजी ब्लॉक में भी सुनने में आई थी, खैरलांजी ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र देशमुख जी ने भी ये मामले को उठाए थे, और हमारे चेतन पटलेज जी ने भी इस मामले को उठाए। इस पर विस्तृत हम लोग जो जानकारी निकाल रहे हैं, इसकी जाँच करवाएंगे और उच्च स्तरीय